टीम इंडिया के मौजूदा दौर में स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी ने तहलका मचा रखा है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों ही गेंदबाजों बेहतरीन गेंदबाजी की है और टीम इंडिया के लिए मुश्किल क्षणों में संकट मोचक बने हैं। भारत के पहले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने एक शो के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की स्लेजिंग के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ उनके साथ कैसे फील्ड में स्लेजिंग कर रहे थे। हाल में ही कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल विक्रम साठे के शो हॉट द डक में एक साथ नजर आए। इस शो के दौरान कुलदीप यादव ने अपने क्रिकेट करियर से जुड़े किस्सों के बारे में बताया। उन्हीं में से एक किस्सा ये भी है जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनके साथ स्लेजिंग की। साल 2017 में कुलदीप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। यह टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला गया था। कुलदीप ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर अपनी धमक बना दी थी। कुलदीप ने बताया कि जब मैं बल्लेबाजी के दौरान क्रीज पर आया तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने तेज गेंदबाज पैट कमिंस से कहा कि वो कुलदीप की रिब्स पर गेंद डाले और उसकी पसलियों को तोड़ दे ताकि वो अगली इनिंग में गेंदबाजी नहीं कर सके। कमिंस ने कप्तान के आदेश पर वैसा ही किया, लेकिन कुलदीप ने शॉर्ट गेंदों से खुद को और अपनी विकेट दोनों को बचाए रखा। कुलदीप ने इस पारी में 10 रन भी बनाए, बाद में उन्हें नॉर्थन लॉयन ने आउट किया। टीम इंडिया ने यह टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी। आपको बता दें कि कुलदीप पिछले काफी वक्त से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से उभरकर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। हालांकि